الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق الله العظيم ایک بار درود پاک پڑھیں اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم واجب الاحترام حضرات علماء کرام برادران اسلام معززہ موقرہ دینی مابینیں آج ہمارے لیے بڑی مسرت کا مقام ہے کہ ہم ایک عظیم نسبت پر یہاں جمع ہوئے اور وہ عظیم نسبت یہ ہے آقائے نامدار تاجدار مدینہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مقدسہ سننا سرکار کی صورت کا بیان کرنا یہ بھی ثواب سے خالی نہیں ہے اور سننا یہ بھی ثواب سے خالی اور اصل چیز سیرت ہے جس کے لیے سرکار کو دنیا میں بھیجا گیا ہے اس کا سننا بھی موجب ثواب ہے اور سعادتوں کا حامل ہے گویا ہم جمع ہو کر ایک اپیل کر رہے ہیں کہ ہم سرکار کی سنتوں کو سیرت تو اصل میں سنتوں کا بیان ہے سننا چاہتے ہیں تاکہ اس کو زندگی میں اپنا کر دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جائے
नक्शे कदम नबी के हैं जन्नत के रास्ते, अल्लाह से मिलाते हैं सुन्नत के रास्ते। अगर आज मुसलमान अपने आप को दो तारों से जोड़ ले, नाकामी। हमारे पास इतनी बड़ी बड़ी नेमतें हैं कि हमें मायूस होने की कोई जरूरत नहीं। सरदारा ने मक्का कहते थे, हमारे पास दौलतें हैं, हमारे पास इक्तदार है, हमारे पास माल है, हमारे पास औलाद है। मुसलमानों, तुम्हारे पास क्या है? अल्लाह ने सूरह फातिहा उतारी, फरमाया वलकद आतैनाका सबअन मिनल मतानी वल कुरआनल अज़ीम। तुमको दुनिया मिली है, दौलत मिली है, औलाद मिली है, इक्तदार मिला है, मुसलमान को कुरान मिला। अभी कह रहे थे ना मौलाना जैद साहब, कुरान की कोई आयत हिदायत नहीं। कुरान करीम की हर आयत अपने अंदर हिदायत के बहुत से पहलू रखती है। और पूरे आलम के लिए इंसानियत का बेहतरीन पैगाम दे। सुन्नत किसे कहते हैं? इस्तेलाम में उलमा फरमाते हैं कि वो तरीक़े मसलूका और मरविया जिस पर चलकर इंसान दुनिया और आखिरत में कामयाब हो जाए, उसको सुन्नत कहते हैं। सुन्नतों की अकसाम, सुनने हुदा, सुनने जवाई, मुअक्कदा, गैर मुअक्कदा। एक तजिया किया है उलमा ने, बहुत शांति से सुनेंगे ना इंशाल्लाह, क्योंकि सरकार की सीरत जो है उसे बहुत संजीदगी के साथ सुनना है, और क्या चीजें लेनी है इस पर गौर करना है, इसके लिए हम जमा हुए। और पूरे साल में एक बयान पर इक्तफा नहीं होना चाहिए। सरकार की सीरत जिंदगी के हर मोड़ पर और हर पहलू पर और हर वक्त जरूरी है। सुन्नतों पर अमल करना आखिरत में तो दर्जात देता ही, अल्लाह की रजा का जरिया है, सरकार के खुश करने का रास्ता है। हमारे यहाँ सूरत में सीरत का जलसा था और मुफक्किर इस्लाम हजरत मौलाना सैयद अबुल हसन अली नदवी रहमतुल्लाह अलैह का बयान हजरत का था, और चारों तरफ कुमकुम में जल रहे हैं और झिलमिल झिलमिल रोशनियां,
अल्लाह वालों को तो ऐसी चीज़ों से कोई ताल्लुक नहीं। जलसे का जो कन्वीनर था उसको बुलाया, बाबा इतनी रोशनी इसराफ क्यों किया है? का सरकार की याद में किया है। तो हजरत ने फरमाया सरकार के घर में तो जिंदगी भर चिराग नहीं जलता। तुम सरकार की सीरतों को इन रोशनियों से उजागर करोगे कि सुन्नत के पंखों में जिंदगी में जलाओ। सुन्नतें आखिरत में तो दर्जात दिलाने वाली है, निकाह के मौके पर आयत पढ़ी जाती है, खतीब और ताजी एक आयत करीमा पढ़ते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकूलू कौलन सदीदा। अब दूल्हे के लिए और दुल्हन के लिए ये बात बहुत जरूरी, औरतों की जबान कंट्रोल में नहीं रहती, बड़ी लपलपी इनकी चलती। नमाज का सवाब जाय करना हो तो औरतों के पास बैठ जाओ, सलाम फिरने के साथ ही रीबत हसर कीना कपट, बहन उन्होंने कितनी अच्छी नमाज पढ़ी, देखो पड़ोस वाली तो नमाज भी नहीं पढ़ते, सब नमाज का सवाब तय करते। अपनी जबान को कंट्रोल में रखो, और जबान को कंट्रोल में रखने का आसान रास्ता यह है कि जिक्रुल्लाह की कसरत करो, अल्लाह की याद चलते फिरते करो। खुदा की याद है ताकत हमारी और मुसल्ला है हमारा तख्ते शाही। अल्लाह की याद को मिजाज बनाओ। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ज़िक्रुल्लाहि ज़िक्रन कतीरा وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا। قُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا। दुरुस्त बात कहा करो, जब तुम्हारी जबानों पर अल्लाह का नाम होगा तो बात दुरुस्त आएगी। झूठ मत बोलो, कीना कपट मत बोलो, गलत बयानी मत करो, वादा खिलाफी मत करो, ये सब सरकार की तालीमात है, यही सुनना है। जो प्रॉमिस करो वो प्रॉमिस को पूरा करो, जो वादा करो पूरा करो। ये कुरान करीम की भी तालीम, कुरान करीम बेहतरीन तालीमात की किताब है। अल्लाह कुरान में फरमाते हैं जो वादे अल्लाह के साथ किए हैं वो भी पूरे करो, और जो बंदों के साथ किए हैं वो भी पूरे करो। वादा खिलाफी मत करो, ईमान वाले की अलामत है वादा पूरा करना। अल्लाह फरमाते हैं जब तुम्हारी बातें दुरुस्त निकलेगी, ये निकाह के दिन समझाया जा रहा है, लेकिन दूल्हा मुंह में होता है ना, सुनने वाले मुंह में होते हैं, और औरतें सबसे ज्यादा आउट ऑफ कंट्रोल। जितना डेमोन्स्ट्रेशन होता है शादी का वो औरतें चलाती। हमारे यहाँ एक बेचारे साथी जमात में जाके आए, उनको अमीर साहब ने समझाया शादी शादी करो, खर्चे मत करो, फजूलियात मत करो। समझ में बेटे के भी बात आई, बाप के भी बात आई,
अब घर वालों ने तो लंबा प्रोग्राम बना के रखा था कि मेहंदी करनी है और हल्दी लगानी है और पीठी करनी है और बाजे बजाने हैं, और पहले दिन ये प्रोग्राम और दूसरे दिन ये प्रोग्राम और तीसरे दिन ये प्रोग्राम। शरीयत मुकद्दसा सरकार ने निकाह का कितना आसान तरीका बताया है। क्या करना है, लड़की वालों के जिम्मे तो कुछ है न, खाना खिलाना है न कुछ है। लड़के वालों के जिम्मे जो है बाहर देना है, वलीमा करना है, और वलीमा भी लिमिटेड करना है। हजरत मुफ्ती सईद अहमद साहब पालनपुरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैं मेरे बच्चों का जब निकाह करता हूँ तो गांव में 5 मुर्गे लगा करके अड़ोस पड़ोस वालों को खिला देता हूँ, यही मेरा वलीमा है। ज्यादा लंबा चौड़ा करने की जरूरत नहीं कि हम कर्जदार हो जाए, ऐसा कहीं नहीं कहा हदीस में कि इतना वलीमा लंबा करो कि कर्जे में तुम डूब जाओ। तो अपनी कैपेसिटी और लाइबिलिटीज के मुताबिक वलीमा किया जाए, महर अच्छा दिया जाए। तो महर बिल्कुल आप जानते हैं, हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा से हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह हुआ तो 20 ऊंट महर रखा गया। 20 ऊंट महर, और सैयदा फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा का महर रखा गया 1531 ग्राम चांदी। महर आप ज्यादा देंगे तो किसी दिन लड़की के पास या असासा होगा तो उसको काम आए। तो उसको बिल्कुल मुख्तसर रखते हैं और जो चीज को मुख्तसर करना है उसको तवील करते हैं। इसलिए शादी के अंदर 3 नुक्ते लगे हैं, इसको निकाल लो और सारा निकाल नुक्ते निकालो। अच्छा, जब आप दुरुस्त बात करने वाले बन जाएंगे क्या होगा, अल्लाह ताला वो रिजल्ट भी बयान करती है, अल्लाह का करम है, हुकुम भी देते हैं और हुकुम का रिजल्ट क्या आएगा वो भी देते हैं। फरमाया युस्लिम लकुम आमालकुम, अल्लाह ताला तुम्हारे आमाल की इस्लाह करेंगे। इस्लाह के सब मोहताज, क्या आलिम क्या गैर आलिम, क्या बड़ा क्या छोटा, सब इस्लाह के मोहताज। युस्लिम लकुम आमालकुम, तुम्हारे आमाल को अल्लाह ताला दुरुस्त कर देंगे, इससे बढ़कर क्या नेमत चाहिए। और दूसरा रिजल्ट दे, वयग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम, और अल्लाह ताला तुम्हारे गुनाहों को माफ कर देंगे। दो चीजों, अब आगे सुनो, आगे वाला जुमला जो है बड़ा काम का है। लोग हमारी नाकामी और पसमानदगी के आर्टिकल लिखते हैं, इसलिए हम पीछे हैं, इसलिए तरक्की याफ्ता नहीं है, इसलिए हम लोग बिछड़े हुए हैं, पछड़े हुए हैं, लुटे हुए हैं, फूटे हुए हैं। अल्लाह फरमाते दो काम कर लो तो तुम कामयाब हो जाओ, ये दो काम में जितनी कमी आएगी तुम पीछे रहो। ये खुलासा है, कुरान करीम खुलासा बयान करता है। आर्टिकल वाला बेचारा अपने आर्टिकल में इतना उलझ जाता है कि खुलासा सामने नहीं आता। फरमाया वमन युतिअल्लाह वरसूलहु फकद फाज फौजन अजीमा, जो इताअत अल्लाह की करे, जो इत्तबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की करे,
فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. اب ایک چھوٹا سا واقعہ اتباع سنت کے سورے تھے. پہلے ایک قاعدہ سمجھ لو, شوہر کے انتقال پر بیوی جو ہے سوک منائے گی, اور سوک کے معنی ترک زینا, چار مہینہ اور دس, اور شوہر کے علاوہ رشتہ داروں میں سے کسی کا بھی انتقال ہو تو سوک کے ایام تین. سرکار نے فرما دی چوتھے دن اپنے کام میں لگ جاؤ. کب تک روتے رہو گے؟ یہ امت کو کام کرنے کے لیے بنا ہے, رونے کے لیے نہیں بنا ہے. رونا ہے تو رات کو تہجد میں رونا. ابو سفیان کا انتقال ہو, ماں بہنیں بھی سن رہی ہیں, اسلام میں ماتم کا تو کوئی وجود ہی نہیں. مشکات شریف میں حدیث ہے اور بخاری شریف میں بھی, من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیۃ فلیس منا. کسی کے انتقال پر رخساروں کو پیٹنا, دامن اور گریبان کو چاک کرنا, بالوں کو نوچنا, اگر کوئی ایسا کر رہا ہے جماعت مسلمین میں سے نہیں. اسلام نے غم نبھانے کے بھی اصول بتائے اور خوشیاں نبھانے کے بھی اصول بتائے. شادی کا میں نے بتایا, غم کا بتا. ام حبیبہ ام المومنین بھی, آج مسلمانوں کی پریشانی یہ ہے کہ ان کو کرکٹروں کی تعلیم معلوم ہے لیکن میرے آقا کی تعلیم معلوم. میرے آقا کی اولاد کتنی تھی, بیٹیاں کتنی تھی, بیٹے کتنے تھے, ازواج کتنی, پیدا کب ہوئے سرکار, دنیا سے تشریف کب لے گئے سرکار. یہ سب سیرت کے بیانات کے اندر کھل کر سامنے آتا ہے اور ہمارا علم بڑھتا ہے. اور علم آج مسلمانوں کی ضرورت ہے اور دنیا کا ایجوکیشن بھی ضروری ہے اور دینی ایجوکیشن بھی ضروری ہے. پیرلل ایجوکیشن حاصل کیجیے, دنیا کا بھی بہترین ایجوکیشن حاصل کیجیے تاکہ دنیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر آپ دین کی دعوت دے سکیں. آپ کو کوئی امپریس نہ کر سکے اپنی ڈگریوں سے, کیونکہ آپ کے پاس بھی ڈگری ہوگی نا. حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے, ہمیں ڈاکٹر بھی چاہیے, ہمیں لائر بھی چاہیے, ہمیں انجینئر بھی چاہیے, ہمیں سائنسدان بھی چاہیے, اور ہمیں یہ سب بہترین مسلمان بھی چاہیے. یہ پڑھے لکھے لوگوں کی غلطی کہ وہ یہ باور کرتے ہیں کہ بھائی علماء دنیا سے اور دنیا کی تعلیم سے روکتے ہیں. یہ بیٹھے ہیں مولانا عبد القدوس صاحب دامت برکاتہ ہم عالیہ, ایک سے لے کر بارہ تک کی بہترین معیار کی اسکول چلا رہا ہے. آج شام میں آیا تو دیکھا کہ ماشاءاللہ طالبات جو ہیں اسکارف پہن کر جا رہی ہیں اور طلبہ جو ہیں کرتا پیجامہ اور سر پر ٹوپی. کون روکتا ہے دنیا میں آپ کو؟ دین کی بقا کے ساتھ دنیا کا بہترین ایجوکیشن حاصل کیجیے. آپ کو ترقی سے کوئی نہیں روک سکتا. حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاحبزادی ہیں ابو سفیان. جب اپنے ابا کے انتقال کی خبر سنی, تین دن ترک زینت کیا,
और चौथे दिन औरतें जो लगाती है वो खुशबू मंगवाई, खुशबू मंगवाई और खुशबू मंगाकर जरा सी हाथ पर लगाई और फरमाया वल्लाह इस उम्र में मुझे खुशबू लगाने की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन आकाए मक्की मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया था कि गैर शौहर पर 3 दिन से ज्यादा तर्क जीनत और सोग नहीं हो सकता, वो हदीस पर अमल करने के लिए जरा सी खुशबू लगे। सुन्नतों पर अमल इसको कहते हैं। फरमाया वमन युतिअ अल्लाह व रसूला, जो अल्लाह की इताअत करेगा। आप गौर कर लो क्या पूरे कुरान पर हमारा अमल है, कुरान की हर आयत पर हमारा अमल है, कितनी भी आयात होंगी, कितने अहकाम होंगे। अफतुमिनून बिबादिल किताब व तकफुरून बिबाद, दाढ़ी बेहतरीन सुन्नत है और कोई नहीं रोकता। वो सिख लोग फौज के अंदर भी हैं, एयरफोर्स में भी हैं, पायलट भी हैं, कोई उनको नहीं रोकता ना साफा बांधने से और न दाढ़ी से, और दाढ़ी जरा सी रख ली टेढ़ी वेढ़ी तो भी उनको सरदार कहा। हजरत वाला हरदोई रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि सरकार की सुन्नतों का ढेर जिनके पास है वो सरदार नहीं बन सकते, तुमको भी सरदारी मिल सकती है, शर्त यह है कि तुम्हारी जिंदगी में सुन्नतें आ जाएं और सुन्नतों को अपनाओ, उसे जिंदगी का जुज बनाओ और मामूली मत समझो किसी भी सुन्नत को, हर सुन्नत कीमती है क्योंकि उसकी निस्बत जाकर आता है मक्की मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जुड़ जाए। तो फरमाया कि बड़ी कामयाबी अल्लाह ताला देंगे दुनिया में भी और आखिरत में। अब ये वाकया सुनाता हूं, सुन्नत की मुखालफत करना दुनिया में भी इंसान के लिए नुकसानदेह। सुन्नत की मुखालफत करना और उसके खिलाफ जिंदगी गुजारना दुनियावी एतबार से भी नुकसान देने वाला है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कुछ मेहमान खाने के लिए बैठे थे, उसमें जरा लीडर टाइप का एक आदमी भी बैठा, उसने उल्टे हाथ से खाना शुरू। अब नबी का मिजाज क्या हुआ? नबी का मिजाज ये होता है कि नाहक और गलत बात उसके सामने हो रही हो तो वो बैठकर बर्दाश्त नहीं कर सकता, वो रोकेगा, मना करेगा कि भाई ये मुनासिब नहीं है। उमर इब्ने अबी सलीमा, ये अबू सलमा के बेटे और उम्मे सलमा के बेटे और वो उम्मुल मोमिनीन है, वो अपने बच्चों को भी साथ लेकर आई थी और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे निकाह किया था, इनके शौहर का इंतकाल हो गया था तो ये बेवा से हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह किया इसकी दिलजोई के लिए और इसकी जवानी को बरकरार रखने के लिए और सोसाइटी को बैलेंस करने। अभी हजरत मौलाना अब्दुल कुद्दूस साहब ने फरमाया कि इसके ऊपर जोर देना चाहिए। हमारे आका ताजदारे मदीना जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह फरमाया 25 साल की उम्र में 40 साल की 2 मरतबा की बेवा हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा, और हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा से निकाह करने वाले बहुत थे लेकिन सरकार के अखलाक फादिला और अखलाक हसना को देखकर निकाह किया है हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा। उमर इब्ने सलमा बहुत छोटे हैं,
लेकिन इनको सआदत नसीब हो गई हुजूर के साथ दस्तरखान पर खाना खाने, दस्तरखान पर खाना खा। अब बच्चे को तो सिखाना पड़ता है, आज औलाद की तरबियत की बहुत ज्यादा जरूरत है, और सरकार देखो कैसी तरबियत कर रहे हैं। उसने उल्टा हाथ तख्त के अंदर डाला, खाना शुरू किया, हुजूर ने बहुत प्यार से ये बच्चे का हाथ पकड़ लिया और तीन सबक पढ़ा दिया। रिवायत बुखारी है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीन सबक पढ़ाए एक मिनट में। पहला सबक पढ़ाया सम्मिल्लाह, अल्लाह का नाम लेकर खाओ बेटा। नबी का काम हक बात कहना है, बच्चा भी गलत काम करे तो उसको रोकना, पूरी दुनिया को दुरुस्त करने के लिए नबी आता है, किसी की गलती बर्दाश्त नहीं, चाहे वो बड़ा हो चाहे छोटा, इस्लाह करने के लिए आता है, पूरे आलम की इस्लाह के लिए सरकार तशरीफ लाए। और एक अकीदा याद रखो, हम हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खाली नबी नहीं मानते बल्कि आखिरी नबी और खातमुन नबीयीन भी मानते। क्या आपके बाद कोई नबी आने वाला नहीं, आपकी तालीमात द लेटेस्ट टीचिंग्स विच आर गिवन फ्रॉम द बिलव्ड प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से। एक सबक पढ़ाया सम्मिल्ला, और एक बात और समझो, बच्चे के सामने लंबी तकरीरें काम की नहीं होती, जब बड़े लंबी तकरीर नहीं बर्दाश्त कर सकते और बच्चा कहाँ से बर्दाश्त करेगा, एक मिनट के अंदर सबक पढ़ो सम्मिल्ला, अल्लाह का नाम लेकर खाओ, अल्लाह का खाना है अल्लाह का नाम लेकर खाओ। कहा उनको है, बच्चे ने रिकॉर्ड किया है, नोट किया है और जिंदगी भर के लिए नोट किया है, और बड़े होकर रिवायतें बयान की, तो तीन आदाब इस बच्चे ने पूरी उम्मत को दे दी कि उम्मत भी इस पर अमल करे। नंबर दो, कुल बियमीनी, अपने दाहिने हाथ से काम, मुसलमान का हर अच्छा काम दाहिनी तरफ से शुरू होता है और दाहिने हाथ से शुरू होता है, राइट हैंड से शुरू होता है, इसमें बरकतें आती हैं। अल्लाह ताला ने बरकत वाला बनाया सीधे आदमी, इसका नाम यमीन रखा। यमीन के माना ताकत, अल्लाह ताला कामों के अंदर बरकत दे देते हैं, अच्छे काम दाहिने हाथ से शुरू किए जाए, अल्लाह के नाम से शुरू किए जाए। ये सब तालीम दे रहे हैं आपको। और खाना एक टाइप का हो तो कैसे खाना चाहिए, कुल मिम्मा यमीनक, अपने सामने से खाओ, हवाई जहाज की तरह हाथ इधर से उधर नहीं हुआ, ये तरीका बदल। तो वो मालदार लीडर टाइप का, लीडर तरह मुतकब्बिर होते हैं, उनके दिमाग में भूसा सवार होता है कि हम बड़े, बड़ा कोई भी नहीं, अल्लाह बड़े। अपने अंदर आजिजी और तवाज़ो और इंकिसारी पैदा करो, अल्लाह ताला को इंकिसारी और आजिजी पसंद है। वइबादुर रहमानिल्लज़ीना यमशूना अलल अर्दि हौना वइज़ा खातबहुमुल जाहिलूना कालू सलामा। बेहतरीन तालीमात, आज पूरा सबक जो है तालीमात का दूंगा। आदमी अपने अंदर लोलीनेस पैदा करे, आजिजी और इंकिसारी पैदा करे। बकरी बिचारी जरा मैं करती है तो कस्सा उसके ऊपर छुरी चला देता है, लटका देता है, चमड़ा उतार देता है, टुकड़े कर देता है, मैं नहीं हूं।
और पिंजरे के अंदर काली कलोटी मैना को रखा है, उसको पूछते हैं तू कौन, वो कहती है मैं ना, मैं कुछ नहीं। तो मिटाना पड़ता है अपने आप को, तसव्वुफ नाम है अपने आप को मिटाने का, दीन नाम है अल्लाह के नाम को बुलंद करने का और अपने आप को हक में मिलाने का। इसलिए सजदे में मर्तबा इंसान का बढ़ जाता है, क्योंकि आजिज़ी अपनी पेशानी को हक में मिला दे। आजिज़ी और इनके साथ कोई ऊपर मकाम पर चढ़ना तो झुकना पड़ता है, तो आदमी ऊपर चढ़ सकता है, सीना तान के आदमी ऊपर नहीं चढ़ सकता, झुक के चढ़ सकता है। इसलिए कुरान करीम में इसकी तरफ अबू जहल न माना, अबू लहब न माना, उदबा न माना, शैबा न माना, वलीद न माना, किस चीज ने इनको रोका, तकब्बुर ने रोका, वरना सरकार की सदाकतों को ये लोग मानते। वजहदू बिहा वस्तैकनतहा अन्फुसुहुम ज़ुल्मन वउलुवा। कुरान पढ़ा करो और कुरान करीम के मानी पर नजर रखो, और जो उलमा तफसीर करते हैं उनके तफसीर में शामिल हो। हमको कुरान पढ़ना पड़ेगा और कुरान करीम की तालीम को अपनाना पड़ेगा। गैर कुरान करीम पढ़कर हमसे आगे निकलते जा रहे हैं और हम कुरान छोड़कर पीछे होते जा रहे हैं। और मैं तो कहा करता हूँ कुरान करीम के लिए कि ये किताब ऐसी है कि दुनिया की किताबें जमाने के साथ बोसीदा हो जाती हैं और कुरान जमाने के साथ जवान हो रहा है। दुनिया को ऐसा लगता है कि इस किताब की दुनिया को अब शदीद जरूरत है, सख्त जरूरत है इस किताब की। घरों में कुरान की तिलावत को जारी करो। मैं कहा करता हूं अरब वाले ये गए गुजरे हालात, खतरनाक हालात के अंदर घिरे हुए, परेशान हैं, उनकी मालो दौलत पे दूसरों का कब्जा है, लेकिन दो चीजों ने इनको बचा रखा है, वक्त पर नमाज का अदा करना और वक्त मिले तो कुरान पढ़ना। घर में कुरान रखा है लेकिन पढ़ा नहीं जाता, इसकी तिलावत करो। ये शिकायत करता है कि अल्लाह तूने रसूल के जरिए से मुझे भिजवाया लेकिन उम्मत ने बालाए ताक रखी है। तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो लीडर को देखा कि उल्टे हाथ से खा रहा है, और लीडर हो तो उसके घर का सरकार को क्या परवाह नहीं करते सरकार। रोकाना नामी पहलवान आ गया, कब मैंने सुना कि तुम्हारी दावत की वजह से बड़े लोग परेशान हैं। हुजूर ने वरना क्या परेशानी, क्या तकलीफ है, क्या तुम दावत क्या देते हो, क्या दावत एक अल्लाह की देता हूं। परवानी की भाई पहलवान, बहुत बड़ा पहलवान, कोई पछाड़ नहीं सकता, अभी मौका चला देगा तो क्या होगा, कोई परवाह नहीं। मैं एक अल्लाह की दावत देता हूं और क्या दावत देता हूं, और कहा दावत देता हूं कि मैं अल्लाह का रसूल बनाकर भेजा गया हूं, नमाज की दावत देता हूं, पाक दामनी की दावत देता हूं, वादा वफाई की दावत देता हूं, सिला रखनी की दावत देता हूं, क्या खराब दावत देता हूं। क्या मान लूंगा तुम्हारी, सब दावत मान लूंगा लेकिन मेरे साथ कुश्ती करनी पड़ेगी। तो हुजूर कह सकते हैं आप दुनिया में अंदर कुश्ती लड़वा थोड़ा हो, कुश्तियां लड़ने के लिए मैं थोड़ा आया, मेरा तो काम दीन का काम करना है। अभी वली भाई जमात में निकले, दो चार आदमियों को समझा, एक पहलवान खड़ा हो जाएगा, आ जाओ वली भाई लड़ लेते, तो ये ना कहेंगे माधर कहेंगे भाई मारी ताकत ना थी आप वजू करवाने, मारे तो काम दीन का काम करवा, माजरत करें।
भाई दीन का काम करना है, मोहब्बत प्यार के साथ करना है, अपने को कुश्तियाँ नहीं करनी थी। मैं कुश्तियाँ करने के लिए दुनिया में नहीं भेजा गया, मैं तो दीन की दावत के लिए भेजा गया। लेकिन सरकार को दीन का इतना दर्द था कि कुश्ती लड़ने के लिए भी तैयार हूँ। उसने भी लंगोटा बांध लिया, बुजुर्ग भी तैयार हो गए, लोगों ने कहा क्या हो गए, तो बहुत बड़ा पहलवान ओ है पहलवान अपने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा तैयार, उन्होंने कहा मैं तैयार हूँ। इधर उधर उसने हाथ पैर चलाए, हुजूर ने उसको उठाया, जमीन के ऊपर रख दिया। कहता है मैं हार गया, तो कहा हार गया। लोगों से पूछा भाई हार गया नहीं, तो कहा हार गया, कहा मेरे को यकीन नहीं आता, फिर से लड़। दूसरी मरतबा कुश्ती के अंदर हुजूर ने और ऊपर उसको उठाया, जमीन पे रख दिया, अभी भी यकीन नहीं आता। तीसरी मरतबा हुजूर ने उठाया, ऊपर इसको हिलाया, इसका दिमाग हिला, जमीन पे इसकी हड्डियां बजाई, कहा मैं बिल्कुल मान गया। और आपके पास जो है कुश्ती की ताकत नहीं, लेकिन अल्लाह ताला ने आपको दीन की निस्बत से कोई ताकत अदा फरमाई है, कलमा पढ़ने के लिए तैयार हो। मेरे दोस्तों, सरकार किस किस पहलू में और किस किस मकाम पर किस किस तरह से काम करते हैं। आज हमसे पंचगाना नमाजें जो सरकार दे गए हैं वो अदा नहीं होती। आज हम सुन्नतों पर अमल करने वाले नहीं रहे। हुजूर ने उससे कहा भाई सीधे हाथ से खा। उसने कहा जरा प्रॉब्लम है, दाएं हाथ में राइट हैंड में भी आई प्रॉब्लम। हालांकि उसको प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन उसने कहा भाई सीधे हाथ से खाने में क्या प्रॉब्लम है मुझे। कहने मेरे सीधे हाथ में थोड़ा प्रॉब्लम आ गया है। अच्छा प्रॉब्लम आ गया है तो चलो प्रॉब्लम सही। जैसे ही उसने हुजूर ने फरमाया कि प्रॉब्लम सही, तो प्रॉब्लम वाकई आ गया, भात खिलाता तो हिलता ही। सरकार की मुखालफत की तो जिस्म में भी नुकसान आया, फालिज का असर हो गया, हाथ बिगड़ गया, शल हो गया। और सरकार के मतवाले सहाबा भी अपना हाथ शल करवाते हैं। हजरत अबू तलहा रदी अल्लाह ताला अन्हु ने हुजूर को उहद के मौके पर पीछे बिठाया और खुद जो है अपने हाथों को एक ढाल बनाया और अपने हाथ के ऊपर आने वाले तीर बर्दाश्त करते हैं, पूरा हाथ शल हो गया। हुजूर ने फरमाया दुनिया में कोई जन्नती को चलता हुआ देखना चाहता हो तो अबू तलहा को देख। दोस्तों, ये दीन कुर्बानियों के सहारे पर चला है, कुर्बानियों की बुनियाद पर चला है। सबसे बड़ी कुर्बानी आपका इनामदार जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी, अशद्दुल बलाए अलंबिया थुम्मा लम फलफल। हादशल हो गया, बेकार हो गया। इससे ये पता चला कि मुखालफत रसूल का आखिरत में तो नुकसान है ही, दुनिया में भी नुकसान है, बॉडी सिस्टम में भी नुकसान आता है। उस्वतुस्सालिहीन एक किताब है, उसमें इसके पैरेलल दूसरा एक वाकया बयान किया। एक सहाबी का दायां हाथ खराब हो गया, शल हुआ, बहुत इलाज किया लेकिन शिफा नहीं होती, परेशानी, क्या करूं, इसका आखिरी इलाज क्या हो। तो कहा जरा गुस्ताखी तो होगी लेकिन आका के दरबार में दस्तरखान पर खाने का मौका मिल जाए शायद मैं शिफा पा। वो कैसे, तवाज़ो बहुत, सहाबे किराम के अंदर तवाज़ो, आजीज़ी, इनके सारी कुफ्र के अंदर तकब्बुर है, ईमान वाले में तवाज़ो है। जो पंच वक्ता नमाजें पढ़ता है अल्लाह ताला उसके मिजाज में तवाज़ो पैदा कर दे। जब इतनी मरतबा अपनी नाक और पेशानी रगड़ेगा तो अल्लाह ताला तवाज़ो, आजीज़ी, इनके सारी लोलीनेस, डाउन टू अर्थ होना।
अबू जहल मरते वक्त लोग कहते हैं ना कि रस्सी जल जाए लेकिन बल न जाए। दो छोटे बच्चों ने कत्ल कर डाला, अबू जहल डीगे मारता था, मैं यूं फतह हासिल करूंगा, मैं यूं फतह, और दुआएं करता था कि जो हक पर है अल्लाह उसको कामयाबी दे दे। अल्लाह ताला ने बद्र में मुसलमानों को कामयाबी देकर बता दिया कि कौन हक पर है। नाउमीद होने की जरूरत नहीं। जब मक्के वालों ने दीन की मदद नहीं की तो अल्लाह ताला ने मदीने में अंसार को खड़ा कर दिया, उन्होंने सरकार का इस्तेमाल किया और मदीने से दीन की नशर इशा पूरे आलम के अंदर। ये दीन रुकने के लिए नहीं आए। और ये भी याद रखो दोस्तों, इतना बड़ा मजमा है, अल्लाह जब काम नहीं करोगे हटा देंगे रास्ते से, अब दूसरी नई उम्मतें और कौमें पैदा करके अल्लाह उनसे काम लेंगे, जैसे मक्के वालों को हटा दिया और अंसार से काम लेंगे। अब हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद रजी अल्लाह ताला को सर काटने दे, हुजूर ने पूछा कि वो अबू जहल का क्या हुआ। इसका नाम अबुल हकम था, इसका लकब अबुल हकम था, और मक्के में कोई भी उलझा हुआ केस हो तो मिनटों के अंदर सुलझा देता था, इस बिना पर अबुल हकम कहा। लेकिन दीन जैसी आसान चीज जो हजरत बिलाल के समझ में आई वो अबू जहल का अकल वाला सर जो है कबूल न कर सका, इस बिना पर उसको अबू जहल ने। अब कहते हैं कि अब्दुल्लाह इब्ने मसूद रजी अल्लाह ताला को सर काटने के लिए गए तो पूछा कौन, कामे इब्ने मसूद क्यों आए हो, तेरा सर काट कर नबी के दरबार में ले जाओ, बड़ी तूने बड़ाइयां हाकी थी, बड़ा तकब्बुर किया था। अबू सुफियान ने कहा मत लड़ो मत लड़ो, हमारा काफिला सलामत आ गया है, मत लड़ो वापस आ जाओ। कहा नहीं, जब तक मैं मुसलमानों को मिट्टी न चटा दूंगा और मार न लूंगा और मजे न कर लूंगा वहां तक जो है मक्के नहीं लौटूंगा। ये बड़ी बड़ी बातों का उसको खुमियाजा भुगतना पड़ा। आदमी को बड़ी बात नहीं करनी चाहिए, हमेशा लोली ने सब तवालों की बात करनी चाहिए। कहा क्यों आयो सर काट, काट लो सर, लेकिन एक बात का ख्याल, सीने की तरफ से गर्दन काटना जरा नीचे से ताकि गर्दन लंबी नजर आए, फिर तेरे सरदार के यहाँ सब सर रखे जाएंगे ना तो मेरा सर ऊंचा होगा, तो तेरा नबी पूछेगा कि ये किसका सर है, तो तू कह सके कि मक्के के सरदार का सर है, मरते मरते भी तकब्बुर नहीं जाता। ये ऐसी खतरनाक चीज है, इसलिए इस्लाम में ला इलाहा इल्लल्लाह का जिक्र बताया ताकि दिल के अंदर से अपनी बड़ाई निकले और अल्लाह की बड़ाई आए। ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब यह कि मैं कुछ नहीं हूं, सब अल्लाह, जो कुछ होता है अल्लाह से होता है, जो करते हैं अल्लाह करते हैं, ये यकीन के बिठाने के लिए जिक्र की कसरत की। वो सहाबी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्तरखान पर बैठ गए, सब खा रहे थे, हुजूर ने देखा कि उल्टे हाथ से खा रहे हैं, मजबूर थे हकीकत। जैसे सरकार ने वो सरदार को कहा था सीधे हाथ से खाओ, इसी तरह इनसे भी कहा सीधे हाथ से खाओ, तो इन्होंने अपने सीधे हाथ को झटका दिया कि किसी की नहीं मानी तो नबी की तो मान जा, बड़े इलाज किए तेरे को कोई फायदा नहीं हुआ, तो अब सरकार का इलाज ले ले, सुन्नतों पर अमल कर ले, तेरी शिफा इसी में रखी, हरकत की तो हाथ हरकत में आ गया, सीधे हाथ से खाना शुरू किया, सुन्नतों पर अमल करने से अल्लाह ताला दुनिया की शिफाएं दिया था और आखिरत की कामयाबियां भी अल्लाह ताला अता फरमाते।
आज का सिर्फ इतना सा अनुमान था हमारा कि सुन्नतों के मुताबिक जिंदगी गुजारने से दुनिया के फवाइद भी हासिल होते हैं और उखरवी फवाइद का तो कुरान करीम में वादा फरमाया, और सुन्नतों की मुखालफत करने की वजह से आखिरत में बहुत बड़ा नुकसान और अल्लाह की नाराज़गी मिलती, तो फिर दुनियावी एतबार से फिजिकल प्रॉब्लम्स जो हैं वो भी क्रिएट होते हैं। आज की बात इसी पर ख़त्म करते हैं और दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हम सबको दीन पर चलने की तौफीक अता फरमाए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतें, खाने की सुन्नतें, पीने की सुन्नतें, बैठने की सुन्नतें, सोने की सुन्नतें, इबादत की सुन्नतें, नमाजों की सुन्नतें, वुज़ू की सुन्नतें, गुस्ल की सुन्नतें, सब सुन्नतों को अपनाने की तौफीक अता फरमाए। जितना सुन्नतें आएंगी उतना दीन हमारा मजबूत से मजबूत तक होता जाएगा। वाखिरु दावाना अलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين واجعلنا من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه اللهم آمنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم عنا على تلاوة القرآن وذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم وفقنا لما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى من القول والعمل والنية والهدى إنك على كل شيء قدير اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، کوتاہیوں سے درگزر فرما، اپنا فضل اور کرم شامل حال فرما، رحم کے اور کرم کے فیصلے فرما۔ اے اللہ سرکار مدینہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے ہمارا جمع ہونا قبول فرما۔ اے اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا پڑھنے والا، سنتوں پر عمل کرنے والا بنا دے، ہمارے اجتماع کو قبول فرما لے، جن حضرات نے ہمیں جمع کیا ان کی محنتوں اور کاوشوں کو قبول فرما لے۔ اے اللہ علماء نے محنت کر کے ہم کو جمع کیا ہے، اللہ ان کی یہ محنتوں کو کامیاب فرما دے، سرفراز فرما دے۔ اے اللہ اپنی رضائے دائمیہ عطا فرما، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرما، اور محبت سچی یہ ہے کہ آپ کی اداؤں پر ہمیں عمل کرنے والا بنا دے، سنتوں سے محبت کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ ماں بہنوں نے بھی دین کی بات سنی ہے، اے اللہ ان کا سننا بھی قبول فرما، اچھی باتوں پر گھروں میں عمل کا دائرہ پیدا فرما، دین کا ذوق شوق ہمارے اندر پیدا فرما، نمازوں کی پابندی نصیب فرما، تلاوت کا شوق عطا فرما، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع زندگی کے ہر ہر شعبے میں نصیب فرما۔ اے اللہ پورے مجمع کی مغفرت فرما، جو بیمار ہیں شفا عطا فرما، جو پریشان ہیں پریشانیاں دور فرما، جو الجھنوں میں گرفتار ہیں ان کی الجھنیں دور فرما۔ اے اللہ یہ پورے مجمع کی مغفرت فرما، امت کے ایک فرد کی مغفرت فرما، اور یہ دعائیں اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے منظور فرما۔ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ملاقات کا ماحول نہ بنائیں، سلام عرض کرتا ہوں جواب دے دیں۔ آپ کو محبت ہے، مجھے بھی آپ سے محبت ہے، میں دعا کرتا ہوں آپ بھی دعا فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔